जय हिंद दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई सत्येंद्र सिंह SS पॉलिटीटेक चैनल के माध्यम से। दोस्तों आज ये हमारा बर्ड जो है 45 दिन का हो गया। हम इसको कल ही चिक्स वाले फार्म से निकाल करके ग्रोवर वाले फार्म में शिफ्ट कर दिए हैं। चिक्स वाले फार्म से निकाल कर ग्रोवर वाले फार्म में शिफ्ट करने का कारण ये होता है कि वहाँ जगह कम होती है, हमारा बर्ड जो है ग्रोथ कम कर पाता है, इसलिए हम ग्रोवर वाले फार्म में इस बर्ड को शिफ्ट कर देते हैं। 40 दिन तक हमारा चिक्स रहता है, 40 दिन के बाद हमारा ग्रोवर के नाम से ये बर्ड जाना जाता है। 40 दिन के बाद और 120 दिन तक इसको हम ग्रोवर बर्ड कहते हैं, जब तक कि अंडे ना दे दे। दोस्तों गर्मी भी आ गई है, गर्मी की भी तैयारी हमने शुरू कर दी है। साइड से हमने सारे बॉडी वाले पर्दे लगवा दिए हैं और उसके अंदर पाइप भी डलवा दिया है ताकि अगर अचानक से गर्मी बढ़े तो हमारे बर्ड को कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। दोस्तों 45 दिन के बाद अब हम कंटिन्यू वैक्सीन शुरू कर देते हैं, जो रेगुलर वैक्सीनें होती हैं। दोस्तों ये वैक्सीन आपको कंटिन्यू करने होते हैं। ये 120 दिन तक आपका जो वैक्सीन है, जिसमें से जो ज़रूरी ज़रूरी वैक्सीन है वही करते हैं। वैक्सीन तो 25-30 हैं, लेकिन 25-30 वैक्सीन नहीं करेंगे, जो ज़रूरी वैक्सीन है उसको करते हैं। दोस्तों दोनों साइड से हमने जूट वाले बॉडी वाले पर्दे लगवा दिए हैं, उसमें पतला वाला पाइप डलवा रखा है, इसलिए कि अगर गर्मी तेज़ी से अगर बढ़ भी जाए तो हमारे बर्ड को कोई नुकसान नहीं करेगा। दोस्तों ग्रोवर में डालने के बाद सबसे पहली चीज़ ये होती है कि इसका बॉडी वेट आपको हमेशा करते रहना है। बॉडी वेट करने से यह पता लगेगा कि हमारा बर्ड जो है वो ग्रोथ कितना कर रहा है। जब तक हमारा बर्ड अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं करेगा तब तक अंडे के लिए तैयार नहीं होगा। तो हर हफ्ते इसका बॉडी वेट करना है और चेक करते रहना है। दोस्तों जब जब भी मैं वैक्सीन करूँगा इसमें, तब तब आप लोगों को वीडियो बना कर दूँगा। बताने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन धीरे धीरे सब आपको बताऊँगा। दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी हमारा जो बर्ड है ये बिल्कुल फिट है। अभी जिसको हम जो फीड खिला रहे हैं वो क्रम्बल ही खिला रहे हैं, जो कंपनी से बन के आती है वही खिला रहे हैं। बाद में हम अपना फीड बनाएंगे और इसको चालू करेंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने अपने 45 दिन के बर्ड को चिक्स फार्म से निकाल कर ग्रोवर में डाल दिया है। इस वीडियो में आप लोगों को अभी फ़िलहाल इतनी ही जानकारी दे रहा हूँ, आने वाली वीडियो में बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।